हे गाइस, वेलकम टू एच एच टेक जोन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रेडमी 5 के नेक्स्ट अपडेट के बारे में कि आपके लिए जो नेक्स्ट अपडेट आने वाला है तो उसमें आपको क्या क्या खास देखने को मिलने वाला, जानने की। जैसे कि हो गया आपके लिए एंड्रॉयड ओरियो, साथ ही फेस अनलॉक और हो गया पोर्ट्रेट मोड, तो इन सभी की जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही बताने वाला हूँ कि आपको ये नेक्स्ट अपडेट कब तक देखने को मिल सकता है और इस वर्जन का क्या नाम हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी रेडमी 5 है और आपका जो इंटरेस्ट है इस वीडियो में और आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट क्या आने वाला और कब तक आपको मिलने वाला, तो दोस्तों आपने ये वीडियो आज की हमारी जोर देखनी है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो पास वाली नोटिफिकेशन का आइकन आएगा तो आपने इस पर क्लिक कर देना है ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। तो चलिए बात करते हैं आज किस वीडियो के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपने इस वीडियो को लाइक अवश्य करना और शेयर अवश्य करना है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर Redmi 5 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Redmi 5 के लिए इससे पहले जो अपडेट आया था MIUI 10 का स्टेबल का पहला वर्जन, उसका नाम था यहाँ पर MIUI 10.1.2.0 NDAMIFI। तो दोस्तों, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये जो अपडेट है एक नो गॉड बेस्ड रोम थी। लेकिन दोस्तों, मैं आपके लिए खास न्यूज बता दूं कि आपके लिए एंड्रॉयड ओरियो का अपडेट अब आने वाला है। दोस्तों, मैं बता दूं आपके लिए बीटा वर्जन में लगभग एक महीना हो चुका है, उसमें एंड्रॉयड ओरियो आ चुका है और आपके जैसे एक दूसरा डिवाइस है जिसका नाम है Redmi 5 है तो उसके लिए भी आपके साथ ही यहाँ पर एंड्रॉयड ओरियो आया था, तो उसके जो स्टेबल वर्जन में भी इस बार एंड्रॉयड ओरियो मिल चुका है। तो दोस्तों, आपके लिए जो अब नेक्स्ट अपडेट आने वाला होगा MIUI 10.1.3.0 या फिर MIUI 10.1.4.0, तो उसमें आपको एंड्रॉयड ओरियो का अपडेट देखने को मिलेगा। ये 100% कंफर्म जानकारी आ रही है निकलकर अभी Xiaomi की तरफ से। तो ये तो आप सभी के लिए खास बात होगी एंड्रॉयड ओरियो के लिए। दोस्तों, एंड्रॉयड ओरियो में जाकर आपको बहुत सारे जो न्यू फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि PIP मोड हो गया और ड्यूल 4G का सपोर्ट भी आपको देखने का मिलेगा एंड्रॉयड ओरियो में ही जाकर। दोस्तों, अभी नोकट में आपको ये अपडेट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपके लिए फेस अनलॉक आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों, मैं बता दूँ फेस अनलॉक के बारे में तो मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, उसका नाम है पोर्ट्रेट मोड। तो दोस्तों, आपके लिए जल्दी ही अब एक न्यू ऐप आएगी, आपके जो रोम है उसमें इंस्टॉल रहेगी, जो आपके दूसरे कैमरा ऐप होगी उसकी जगह पर ये वाली आ जाएगी जिसका नाम होगा MIUI कैमरा ऐप 2.0 रिफाइंडेड विद AI पोर्ट्रेट मोड। तो दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन आएगी तो इसमें जो पोर्ट्रेट मोड के ऑप्शन आप सभी के सभी लोगों को मिलेंगे, ज़्यादा लोगों को। अब बात करते हैं कि आपका जो नाम है पोर्ट्रेट मोड वाली लिस्ट में है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर MIUI के वर्जन पर और यहाँ पर ये पोर्ट्रेट मोड वाला सेक्शन है, यहाँ पर AI पोर्ट्रेट मोड, और यहाँ पर जब हम बैक जाते हैं स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ था व्यू कंपेटिबल डिवाइस। तो मैं इस पर जब क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं, ये लिस्ट निकल आ जाती है यहाँ पर उन लोगों की जिन्हें यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। तो दोस्तों, फ्रंट कैमरा में आपका नाम है या नहीं है। तो दोस्तों, है आपका नाम, कहाँ गया ये देखो दोस्तों, ये आपका नाम रेडमी 5, जाने के रेडमी 5 वालों को फ्रंट कैमरा में भी पोर्ट्रेट मोड मिलेगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर रियर कैमरा की, जाने के बैक कैमरा की, कि बैक कैमरा में आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको बैक कैमरा में भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ रेडमी 5 का नाम है आपका इसमें। तो ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा। साथ दोस्तों, यहाँ पर ड्यूल 4G आपके लिए आने वाला, एंड्रॉयड ओरियो आने वाला, तो बस और क्या चाहिए आपको, इतना सब कुछ आ जाएगा आपके लिए। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं आपको इस अपडेट में यहाँ पर इस बार ही आपको नेक्स्ट अपडेट में पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पोर्ट्रेट मोड जब वो का इफेक्ट अभी तक बीटा में नहीं आया है। दोस्तों, जब तक ये बीटा में नहीं आता है तब तक आपको स्टेबल में नहीं मिलेगा, लेकिन अभी केवल बीटा में एंड्रॉयड ओरियो ही आया है, तो एंड्रॉयड ओरियो आपको इस बार स्टेबल में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, एक एक बार अगर एक एक चीज़ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, नहीं तो अगर बहुत सारी चीज़ें एक बार दे दी जाएंगे तो उसमें बहुत सारे बग्स होंगे। तो इसलिए पहले आपके लिए फोकस किया जा रहा है एंड्रॉयड ओरियो पर। एंड्रॉयड ओरियो के आने के बाद जब वो बग फ्री हो जाएगी वो रोम, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा। इसके लिए उम्मीद लगाई जा रही है कि आपके लिए नेक्स्ट अपडेट आने वाला है वो दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी की स्टार्टिंग में आपको नेक्स्ट अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में तो यहीं तक थी ये फुल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और तो अगर आपके पास कोई और डिवाइस है और आप उसके बारे में पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में अवश्य बता दीजिएगा, तो मैं जल्दी ही उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो साथ में, तब तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।